नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चे जो हैं अभी आपका जो SI और ASI मिनिस्ट्रियल वाला आया है, इससे रिलेटेड कई क्वेरी थी उनकी कि सर इसके जॉब प्रोफाइल बता दीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ पे कितना पैसा मिलेगा। कहा है कि पैसा के लिए बहुत चिंता करते हो तुम लोग, ठीक है, तो उसी के बारे में आज मैं बताऊंगा कि कितनी रकम मिलेगी तुम लोगों को अगर सेलेक्ट होते हो तो। मन लगा के पढ़ोगे, अगर पैसे का ख्वाब देख रहे हो तो बहुत अच्छा पैसा भी है और रुतबा भी है, ठीक है। तो आज देख लेते हैं कि क्या जो दोनों पोस्ट हैं SI की और ASI का, जो SI है आपका कॉन्फिडेंशियल, जो गोपनीय, नाम से ही पता चल रहा है गोपनीय काम है, इसका मतलब जब गोपनीय है तो बहुत बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ तैनात होगा तुम लोगों का, ठीक है, और सैलरी भी अच्छी खासी रहेगी, ऊपरवारी भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ASI मिनिस्ट्रियल, ये भी आपका क्या है, ये इतना जान लो कि जो सिविल पुलिस है उससे इसका हटके काम है। सिविल पुलिस में SI आपका होता है, उसका अलग काम है, इसका अलग काम है। इसका कॉन्फिडेंशियल वाला जो SI है, ये ऑफिसर, जितने पोस्ट हैं आपके ये ऑफिस बेस पे हैं, ठीक है, इनमें आपको कहीं भी फील्ड वर्क नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑफिस वर्क करना है, ठीक है, ये ऑफिस वर्क है। अब इसमें एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें मोटा मोटा आपको काम बता दूंगा कि आप जब सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या क्या काम दिया जाएगा और सैलरी कितना मिलेगी। सबसे बड़ा टेंशन तो यही है तुम लोगों का, ठीक, तो दिखा देते हैं। चलो, SI वाला जो है आप लोग, सबसे अच्छी पोस्ट में बोलूँ इसमें तो सबसे बेहतरीन, क्योंकि देखो यार SI का है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है कॉन्फिडेंशियल में, गोपनीय में, ठीक, तो सबसे बेहतरीन पोस्ट तो यही है। तो ये उनके लिए चांदी है जो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, बस एक चीज़ आपको आना चाहिए कि आपको शॉर्ट हैंड की आना चाहिए। अगर शॉर्ट हैंड आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तभी भी भर दो, क्योंकि टाइम मिल जाएगा तो हो सकता है सीख लोगे। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सभी चीज़ें संभव है, तो सीख सकते हो। और सबसे बेहतरीन पोस्ट है, इसकी जॉब प्रोफाइल भी बहुत गजब की है, ठीक है। तो ये देखो, पे बैंड जो है दूसरे पे बैंड में आता है, जो लेवल 6 का पे बैंड आपका आपका जो सातवां वेतन लगाया गया उसके लेवल 6 में सेकेंड पे बैंड में है, जो 9300 से लेके 34800 का है पे बैंड, ठीक है। ग्रेड पे कितनी की है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, और यही आपका SI सिविल वाला भी होता है, ठीक। और ये जो लिखा रहता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, 35400 से ये इतना तक ये क्या है, ठीक है। तो ये जो है भैया, ये आपका क्या है जानते हो, बेसिक है। ये क्या है, बेसिक पे आपका इतना है, इस पे आपके अलाउंसेस मिलेंगे, तो समझ लो सैलरी कितनी होगी। स्टार्टिंग आपकी यहीं से होगी, 35400 ये बेसिक मिलेगा, फिर इस पे DA लगेगा, HRA लगेगा, TA लगेगा, ठीक। तो अब आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, उसमें से आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे तो डिडक्ट कर लिए जाओगे, तभी भी ठीक ठाक मिलेगी, अभी देखना कितना मिलेगी, ठीक। तो मेनली इसका काम क्या होता है, इसको विभाग में क्या बोला जाता है, CA बाबू। जब लोकल में जाओगे ना वहाँ पे, तो पुलिस थाने होने में जब जो इनका विभाग हो, जहाँ इनकी पोस्टिंग होती है, वहाँ इनको CA बाबू कह के बुलाया जाता है। और ये बाबू वाला टाइप का कुछ पोस्ट भी है तो इन्हें CA बाबू कहा जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट होते हैं, ठीक। एक तरह से इनका जो पोस्ट होता है बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ होता है, जैसे DIG हुए, SP हुए, SSP हुए, इनके साथ इनको बैठाया जाता है। तो जो भी वहाँ के बड़े साहब के लिए जो आपके कागज़ आते हैं, पोस्ट आते हैं, लेटर आते हैं, तो उनको क्या करते हैं ये लोग, शॉर्ट हैंड, इसीलिए शॉर्ट हैंड माना गया है कि उसको डिकोड करके बहुत बड़ा सा इतना लेटर रहेगा, विभाग लेटर जानते हो कितना बड़ा बड़ा लिख के आता है, तो उसमें से मेन पॉइंट क्या क्या है, ठीक है, वो CA बाबू मेन पॉइंट छाट देता है और कहता है साहब, DIG पास जाता है, कहता है साहब जी ये लेटर आया है, इसमें ये लिखा है, कहता ठीक है, वो साइन बना के दे देगा और उसका रिस्पांस जो है ये लोग तैयार करेंगे, ठीक। जो लेटर आया उसका रिस्पांस CA बाबू तैयार करेगा बड़े में, ठीक। वो अपने नीचे वाले को फिर से भेजेगा तो वही ASI में जाएगा, मिनिस्ट्रियल वाले में जाएगा, तो वहाँ क्लर्क लोग जो होते हैं तो उस लेटर को अच्छे से टाइप वाइप करके फिर विभाग को डिस्पैच करते हैं। तो उसमें अलग अलग आपके बाबू लोग होते हैं, तो अभी ASI वाले में आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक। तो CA बाबू इनको कहा जाता है, बहुत रुतबा भी होता है, जो भी काम उम कराना होता है अगर बड़े ऑफिसरों से कराना है तो इनसे जाके मिल लो, सब हो जाएगा, ठीक। और भैया ऑफिस का वर्क है और बहुत हैट्टिक वर्क भी नहीं है, जब आपके बॉस आएंगे तब आपको काम करना होगा, और बॉस आपके जो कौन है, ऑफिसर हैं, और उनका क्या होता है, यही आपकी टाइमिंग चलती है 10 से 5, ठीक है, 10 AM to 5 PM एकदम स्पेशल टाइमिंग है, कोई हैट्रिक नहीं। वैसे तो पुलिस वाले विभाग में बोला जाता है भैया आपकी ड्यूटी कितने की है, 24 घंटे की है,
ठीक है, जब आप अपॉइंट हो गए तो आपसे कहा जाएगा कभी भी आपातकालीन स्थिति में आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है, आपका जो टाइम पीरियड जो होता है, क्योंकि बॉस के हिसाब से होता है, जब बॉस रहेंगे तभी आपको काम करना है, तो भैया डीआईजी जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके विभाग में उनके साथ आपको रखा जाता है, उन्हीं के साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ रहेगा। तो आप समझ सकते हो कितने रुतबे वाली जॉब है। और क्या होता है, जितने भी इनके नीचे आपके डीआईजी साहब से जो भी बड़े बड़े पोस्ट हैं उनसे नीचे जो भी आपके ऑफिसर आते हैं, चाहे कांस्टेबल, एसआई, एसआई, ठीक है, हेड कांस्टेबल, जितने भी, इन सब का एक साल में करेक्टर रोल बनता है। ठीक है, तो उस करेक्टर रोल में कि कैसे ये लोग हैं, इनका बिहेवियर क्या रहा, कैसा इनका वर्क प्रोफाइल है, तो पूरा करेक्टर एक बनता है। तो उस करेक्टर रोल को ये लोग बनाते हैं, ये लोग बताते हैं कि ये बंदा ऐसा था, इन्होंने ऐसे ऐसे जॉब किया, एक भी छुट्टी नहीं मारा। तो ये सब आपका करेक्टर रोल बनता है वहां पे, जब आप जॉब प्रोफाइल में जाओगे तो इन्हीं की जिम्मेदारी पे होता है ये सब काम। उसके बाद से कोई भी अगर आपका नीचे का ऑफिसर है, मान लो कॉन्स्टेबल है, तो उसे पनिश करना है, चाहे भी जितने भी पनिशमेंट वाले प्रोसीजर है, तो उसको क्या पनिश मिला है, किस लिए मिला है, ये सब कुछ अपने बॉस को रिपोर्ट देना कि भाई साहब ये कॉन्स्टेबल फलाने थे, रामलाल थे, और रामलाल को इसने इस वजह से कुछ इन्होंने ड्यूटी में गड़बड़ किया, तो इनको कुछ पनिशमेंट है। तो वो पनिशमेंट लेटर जो है, जो आपके बॉस कहेंगे, तो वो लेटर ये लोग तैयार करके नीचे वाले को, एसआई व एसआईएम को भेजेंगे, तो वो लोग उसे पूरे अच्छे से क्या करेंगे, तैयार विधिवत लेटर तैयार करते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट हैंड में इन्फॉर्मेशन दे देगा, और जो एएसआईएम वाले होते हैं उसको विधिवत लिखेंगे, फलाने ये आपको ऐसे करने के वजह से आपको इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, कुछ पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो वो एएसआईएम का काम होता है, इनका थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, तो ये इनका रोल होता है। ठीक, पोस्टिंग इनकी कहाँ कहाँ होती है, कई जगहों होती है, जीआरपी में भी पोस्टिंग होती है, ट्रेनिंग वाला जहाँ चलता है पुलिस वालों का, तो जहाँ जहाँ ऑफिसर होंगे वहाँ वहाँ इनकी पोस्टिंग होंगी, जहाँ जहाँ ऑफिसर के आपके जो बने होंगे डिपार्टमेंट, जहां जहां वो बैठेंगे वहीं वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। तो ट्रेनिंग वाले में भी होता है, जीआरपी वाले में भी होता है। ठीक, तो जीआरपी आपका गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो आती है आपकी बनती है, यहाँ पर रेलवे पे जो तैनात रहती है, तो यहाँ यहाँ पोस्टिंग होती है। सैलरी की बात कर लें तो बेसिक आपका 35,400 आप जब ट्रेनिंग में जाओगे, ये तो बेसिक मिलता है। ट्रेनिंग में आपको अलाउंसेस कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते, तो ट्रेनिंग में थोड़ी सैलरी कम होती है, लेकिन मैं ओवरऑल सैलरी बता रहा हूँ। जब आप ट्रेनिंग के बाद अपॉइंट होंगे तो आपको 35,400 बोला जाता है कि यूपी में, यूपी मतलब गवर्नमेंट आपका पुलिस विभाग में 12% डीए है बेसिक सैलरी का, 24% आपका क्या है, 24% आपका एचआरए है, हाउस वाला अलाउंसेस है, और उसके बाद से आपका टीए है। ये आपका डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, किस सिटी में आपके तैनात है, क्योंकि सिटी को एक्स वाई और जेड ग्रुप में बांटा गया है। एक्स में वो आते हैं जो हाई फाई सिटी, मेट्रो सिटी होते हैं, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद सबसे बेकार वाला ये जेड है। ठीक है, तो यहाँ आपको 17 या 1800 हाउस अलाउंस मिलता है। ओवरऑल आपका देखा जाए तो आपके हाथ में जो सैलरी सब कुछ कटने उठने के बाद आएगी, तो वो मेरे हिसाब से 45,000 से, ठीक है, 45,000 से लेके 49,000 के बीच में ये वेरी कर सकती है। ठीक, 45,000 से लेके 49,000 के बीच में वेरी करेगी। ठीक, ये मैं ऊपर वाले का बता रहा हूँ। ठीक, ओवरऑल सभी का ले लिया जाए तो इसी के बीच में वेरी करेगा आपका सैलरी, ये ध्यान रखो। तो अच्छी खासी सैलरी है कि नहीं है भाई, बहुत बढ़िया है। ठीक, उसके बाद से थोड़ा सा भी प्रमोशन प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं इसमें। अगर आप एसआई में भर्ती हुए हो तो एसआई के बाद क्या बनोगे, सीधे सीधे 10-12 साल बाद डिप्टी एसपी बन, इंस्पेक्टर बन जाओगे, एटलीस्ट 8 से 9 साल बाद इंस्पेक्टर बन जाओगे, इंस्पेक्टर के बाद वही 10 साल बाद फिर से आप डिप्टी एसपी बन जाओगे, तो लंबा लग जाएगा। मेन एज होता है कि कितने पे आप भर्ती हुए हो, तो डिप्टी एसपी तक आपके चांसेस हैं कि आप बन जाओ। अब आते हैं पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे, आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में क्या होता है भैया, कंधे पे एक स्टार लगा होता है इसके। एसआई वाले में जो कॉन्फिडेंशियल है 2 स्टार लगे रहेगा, दोनों तरफ कंधे पे 2 स्टार, अब की बार 2 स्टार वाला नारा वही है। तो इसमें एएसआई असिस्टेंट है तो एक सिंगल स्टार दोनों तरफ कंधे पे लगा रहता है इसको, असिस्टेंट वाले को। इनका जो ग्रेड पे है, देखो इनका जो पे बैंड है ये 5200 से 20,200 के बीच में है, ग्रेड पे ये 2800 का है। ठीक है, इनका जो ग्रेड पे 2800 का है, ये लेवल 5 में जो 7th पे कमीशन है उसमें लेवल 5 में ये लोग आते हैं। तो इनका बेसिक सैलरी 29,200 से 92,300 तक जाता है, इसमें इंक्रीमेंट लगते लगते ये बेसिक यहाँ तक जाएगा। तो आप समझ सकते हो जब यहाँ तक आप पाओगे तो उसमें एचआरए डीआरए सब मिला के कितना हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका बेसिक सैलरी का रेंज है इसमें। अब इन हैंड सैलरी आपको जान लो इसमें कितना मिलेगा, वो मैं अभी बताऊंगा। इन हैंड सैलरी
ठीक, तो इनका पहले काम देख लो, काम पत्र। इसको आपको लोकल भाषा में जाओगे तो क्या बोला जाता है, पत्रचार शाखा, बड़े बाबू बोला जाता है, बड़े बाबू शाखा बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको वहाँ पे बाबू सब जो है यूज किया जाता है कि जो कलर क्लर्क होते हैं वो क्लर्कियल काम होता है तो बाबू लोग होते हैं। तो वो कई विभाग के अलग अलग, हर एक विभाग के अलग अलग बाबू यहाँ तैनात होते हैं। जैसे आपका जितना भी लेटर आया, ठीक है, जो लेटर आता है, जो रिट्स, कई लोग रिट दायर करते हैं, तो रिट वाले जो होते हैं अलग बाबू होते हैं। वो क्या आएगा, जो लेट रिट आएंगे उनको कलेक्ट करके एक साथ रखेंगे, उसका पूरा डेटा तैयार करेंगे, तो उनको बोला जाता है रिट बाबू। ठीक, उसके बाद से आपके जो पनिशमेंट के लेटर आते हैं, तो पनिशमेंट वाला अलग आपका एक बाबू बैठाया जाता है। जो आपका ऑफिस होता है पूरे जिले में, वहां पे जब जाओगे तो अलग अलग जो है उनका केबिन बना होता है, अलग अलग जो है बाबू लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के बैठे होते हैं, तो उनका काम होता है। जो आपके रिट वाले बाबू होंगे वो रिट का कलेक्शन करेंगे, जो आपके पनिशमेंट वाले होंगे तो जो पनिशमेंट लेटर जितना होगा उसका कलेक्शन वो करेगा। ऐसे ही डिस्पैच बाबू होंगे, डिस्पैच बाबू का काम क्या होगा कि जो भी लेटर कहीं दूसरे विभाग में डिस्पैच करना है, ठीक है, जाना है सीनियर ऑफिसर तक जाना है, तो वो डिस्पैच बाबू का काम होगा। वो सब लेटर देखेंगे कहाँ किसको जाना है, उस सब एड्रेस को एक साथ फिल करके उसको डिस्पैच करेंगे। स्टेशनरी बाबू होते हैं अलग अलग हर जगह, और ये कोई जरूरी नहीं है हर जगह, हर थाने पे भी आपको मिल जाएंगे, वहां पे जैसी जरूरत होगी वैसे बाबू का वहां अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। ठीक, तो स्टेशनरी बाबू क्या होंगे कि भैया जहां पर भी आपका जोनल ऑफिस है, जो भी मेन हेड ऑफिस है, वहां पे स्टेशनरी बाबू होते हैं। तो उसके अंदर नीचे जितने भी आपके थाने होने होते हैं, जहां पे आपके स्टेशनरी के सामान, रजिस्टर हुआ, पेन हुआ, कॉपी हुआ, जो भी जाता है, वो सबका लेखा जोखा कौन करता है, यही भाई साहब करते हैं। ठीक है, स्टेशनरी बाबू करते हैं कि भैया इतना एक ही साथ सब कुछ स्टेशनरी के सामान खरीद लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ गया वो सबका, कि इस थाने को इतना अलॉट करना है, इसको इतना अलॉट करना है, इसको इतना अलॉट करना है, इनका काम होता है। और डिस्पैच वाले का उसको डिस्पैच कराना काम होता है। ठीक, और जो आपके पनिशमेंट वाले हैं तो मैंने पनिशमेंट वाला बता दिया, और रिट्स और जो आपके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं ये सब उसका काम होता है, कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बाबू यहाँ पे तैनात होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो मैंने बताया ना कि SI वाला जो काम है कि SI तक जो पहुंचता है वो इन्हीं के थ्रू पहुंचता है, फिर SI से ASIM तक आता है कि भैया ये चीज़ मैंने कर दिया, आप लोग इसका विधिवत लेटर बनाओ और इस विभाग को चाहे इन बंदे को भेज दो। तो ये लोग एक क्या करते हैं, इनमें सबसे बड़ा काम होता है कि आपको लेटर वोटर अच्छे से टाइप करने आना चाहिए। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको लेटर अच्छे से सब कुछ कैसे लिखा जाता है ये सब बताया जाता है यहाँ पे ASIM में। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अकाउंटेंट वाले में। तो अकाउंटेंट वाला तो भैया बेहतरीन ये भी जॉब है, भलाई थोड़ा कम पैसा है, वही आपका सेम है ग्रेड पे, आपका वही 2800 ग्रेड पे है। जो आपका क्लर्क वाला है मिनिस्ट्रियल वाला, वही आपका इसका भी है। और देख लो इसी के साथ तीन पोस्ट और है, तीन तो मैं बता ही रहा हूँ, तीन और है। SI का ही जो कॉन्फिडेंशियल है वो विजिलेंस में भी है, तो काम उसका उसी तरफ सेम होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट में। इसी तरह मिनिस्ट्रियल वाला जितने बाबू हैं इनका भी विजिलेंस में वही काम होता है, पेमेंट वही मिलेगा, थोड़ा वर्कलोड पर डिपेंड करता है, वर्कलोड आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। विजिलेंस में होंगे उनका थोड़ा वर्कलोड कम होता है, जो जनरल में होंगे उनका वर्कलोड ज्यादा होता है। ठीक, ये ध्यान रखना, इसीलिए वहां कम पोस्ट आई है। तो ये भी उतने ही है, 29,200 से 92,300 तक इनकी बेसिक सैलरी जो है आपकी क्या करती है, रेंज है इनका। इनको क्या कहा जाता है, जो अकाउंटेंट शाखा बोला जाता है, ये अकाउंट शाखा कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, जब पुलिस वाले लैंग्वेज में जाओगे तो अकाउंट शाखा इनको बोला जाता है। अकाउंट शाखा मतलब क्या हो गया कि भैया ये पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का वित्त विभाग है, वित्त मंत्री लोग हैं ये समझ लो, पूरे वित्त मंत्री हो सब कुछ। सैलरी क्या है, TA क्या है, DA कितना जाना है, कितनी आपकी छुट्टी कटी है, तो आपका कितना आपका पैसा काटना है, ठीक है, तो वो कितने लीव हैं, वो सब कुछ आपका जो देखना है, मतलब पैसे से रिलेटेड जहां बात आएगी डिपार्टमेंट में, वहां ये अकाउंट वाले आपके क्या करेंगे, सब काम करते हैं। ये भी बाबू ही होते हैं एक तरह के, लेकिन इनके जिम्मे सिर्फ एक काम होता है, भैया आप सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड काम देखोगे। किसी स्टेशनरी के लिए पैसा जाना है तो वो भी यहीं से पास करेंगे, यही लोग पास करेंगे। ठीक, किसी के लिए कुछ भी खरीदा जाना है, किसी की सैलरी जाना है, जितने लोगों की जाना है, तो सब कुछ ये सैलरी का विवरण पूरा बनाना इन्हीं अकाउंट वालों के पास में ही होता है। इसीलिए यहाँ पर आपसे BCOM मांगा है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो सो BCOM जो किए होंगे वही इस पोस्ट को सिर्फ भर सकते हैं। तो इनका काम ही है कि वित्त विभाग देखना, सैलरी बनाना, हर चीज करना यही होता है। देखो TA DA सैलरी प्रमोशन किसका कैसे है, जो भी
देखो बड़े अधिकारियों से तो आ जाएगा, फलाने का प्रमोशन करना है तो उसका पूरा एक बनता है, लेटर बनता है प्रमोशन का। तो फला आदमी इस पे प्रमोट होके चले गए हैं तो उनका TA ये होगा, DA ये होगा, बेसिक ये होगा, तो ये लेटर तैयार करना, पूरा फाइनेंशियली लेटर तैयार करना, ये आपके क्या आते हैं असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट वाले होते हैं, लेखा वाले होते हैं, वो तैयार करते हैं। अब आ जाते हैं कि ये कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। ठीक, तो देखो पैसा यहाँ देखो, मैं एक जनरल लाया हूँ, आपके विभाग का नहीं है ये, 17% DA पे है। मतलब मैंने जहां तक पता किया तो पुलिस वाले विभाग में कहते हैं लोग कि 12% DA मिलता है। ठीक, तो ऑन अप्रोक्स में बता दूंगा कि कितना आपकी सैलरी बनेगी। देखो जैसे SI वाली थी, कॉन्फिडेंशियल वाली थी, वो 4200 ग्रेड पे में आती है। देखो ये पेमेंट 3 है, 4200 ग्रेड पे में आती है, यहां देखो 4200 ग्रेड पे में आती है। तो 4200 के 3 मैंने बताया ना, X, Y और Z, ये क्या है, सिटी है आपके, ये सबसे महंगी सिटी हो गई, उसके बाद ये सबसे सस्ती सिटी। तो आपकी जहां तैनात होगी उनको 3 ग्रुप सिटी में बांटा गया है, 3 विभाग में, 3 आप बोल सकते हो श्रेणियों में सिटी को बांटा गया है, X और Y और Z में। तो वहां पे अगर 4200 ग्रेड पे आप जाते हो, एक्स सिटी आपको अलॉट होती है, एक तरह से जो एक्स श्रेणी में रखे गए हैं, तो उनका ये मैंने बता दिया। बेसिक पे आपका कितना है, 35,400 SI कॉन्फिडेंशियल। तो अगर ये 17% के हिसाब से जोड़े DA तो 6,018 रुपये आपको DA मिलेगा, और 24% HRA जो है इसमें मिलता है आपका, पुलिस विभाग में 24% HRA मिलता है, ये कुछ ज्यादा पे जोड़ा गया है। तो 24% में ये 8,000 के अप्रोक्स आपका आएगा, और ये आपका अगर 12% मिलता है तो ये 4200 के अप्रोक्स आएगा आपका। ठीक, तो ये आपका TA है, TA आपका जानते हो, जब महंगी सिटी होगी तो ट्रेवलिंग अलाउंस भी ज्यादा लगेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 53,514 रुपया बनेगा। ये मैं एग्जैक्ट आपकी सैलरी नहीं बता रहा हूं, मतलब ऑन अप्रोक्स बता रहा हूं किसी अलग डिपार्टमेंट से। ठीक है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, क्योंकि DA TA ये सब अलग है। बेसिक तो आपकी इतना रहेगी, तो इतना जान लो इससे कम तो हमें कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता है, 35,400 से। ठीक, तो कटने उठने के बाद मैंने कहा ना 49,000 तक वेरी करेगा, तो वही मैं बोल सकता हूं कि 44 से लेकर 49 तक आपकी सैलरी आपके हाथ में डिट्टो मिलने वाली है। तो बहुत बड़ा रकम होता है भैया, छोटा नहीं है। ठीक, ये SI वालों के लिए है, और जो ASI हैं, ASI और अकाउंटेंट वाले जो हैं, जो अकाउंटेंट वाले हैं, ठीक, उनका क्या है, 2800 ग्रेड पे है। तो 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में आता है, तो देखो ये 2800 वाला है, तो इनका बेसिक कितना है, 29,200 है। तो इनको कितना ये मिलेगा, देखो DA जो मिलेगा 49,000 है, और आपका HRA जो मिलेगा 7,000 के अप्रोक्स मिलेगा, क्योंकि वो सब बेसिक पे करता है, बेसिक पे डिपेंड होता है, बेसिक का परसेंटेज होता है 12% 24%। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ इनकी सैलरी बन रही है 41,000, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा पे जोड़ा गया है, तो पुलिस में थोड़ा कम मिलता है। तो आपसे हम ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटेंट वाले हैं, और चाहे आपके कौन से बाबू साहब वाले हैं, जो आपके क्लर्क वाले हैं, ठीक है, जो क्लर्क वाले हैं और जो अकाउंटेंट हैं, उनकी ऑन अप्रोक्स अगर ऑन हैंड सैलरी देखें, तो अभी इसमें मैंने 41 दिखाया, तो वो भी किस सिटी का, एक्स वाले का। ठीक है, एक्स सिटी में जो है 41 है, बाकी सब में देखो 37 और 35 है। तो ये कह सकते हैं कि क्लर्क वाले का सैलरी वेरी करेगा कितने से, 35 है तो मान के चलो 2,000 कम और कर दो, तो 33,000 से लेकर, ठीक है, 33,000 से लेके, और कितना है यहाँ पे 41 जोड़ा गया ना, 33,000 से लेकर ये आपका 38,000 तक, इसे मान लो क्लर्क की जो सैलरी होगी वो आपकी 33,000 से लेकर 38,000 तक आपकी ये सैलरी बनेगी। ठीक, उसी तरह अकाउंटेंट वाला भी सेम होगा, अकाउंटेंट वाले का भी सेम सैलरी होगी 33,000 से लेके 38,000 तक, ये आपकी सैलरी बनने के चांस है आपके। ये सब डिपेंड करेगा X, Y और Z सिटी पर, मैक्सिमम ये 38-39 हो सकता है आपका, TA DA डिपेंड करता है, वो वेरिएबल होता है, बढ़ता रहता है। और जो आपके ये है SI, जो इसको मैंने बोला सबसे बेहतरीन CA बाबू भाई साहब है, इनकी सैलरी आप जान सकते हो कि देखो यहाँ पे कि सबसे बेसिक जेड वाले में कितना मिलता है इनको, जेड वाले में 42,000 आ रहा है। ठीक है, जेड वाले में अगर 42,000 के अप्रोक्स आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इनको मिलना कितना चाहिए, 39,000 से मिनिमम। ठीक है, यहां पे मैंने ये एक्स का बताया था, एक्स का, ठीक, तो मिनिमम अगर जेड से लेके चलें तो 39,000 से इनका 49,000 तक का वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, 49,000 तक
वेरिएबल हो सकता है, ऐसे आपका डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, समझ गए। तो ये आपका सैलरी हो गया कुछ, तो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हो, कितना आपको एचआरए, कितना टीए, कितना डीए मिल रहा है, लेकिन सब कुछ यही के हिसाब से मिलेगा। जहां तक मुझे पता है 12% डीए, 24% एचआरए, तो बेसिक के हिसाब से आपको मिलेगा। टीए आपका भी वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेवलिंग अलाउंसेस कितना लग जा रहा है। तो ये रहा आपके कुछ पोस्ट के विवरण कि आपको सेलेक्ट होने के बाद कितना पैसा और क्या काम करना है। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है आपको, सबसे बेहतरीन तो भाई साहब एसआई साहब हैं, एसआई में हो जाओ तो बस मौज मौज है, ठीक। तो बाकी अभी जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी कि भैया कहाँ क्या करना होता है क्या नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो तैयारी भी अच्छे से होगी। चलिए मिलते हैं अगले जॉब प्रोफाइल के साथ, धन्यवाद।